हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है राजा परीक्षित का जन्म। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। द्रौपदी को जब समाचार मिला कि उसके पांचों पुत्रों की हत्या अवस्थावा ने कर दी है, तब उसने आमरण अनशन कर लिया और कहा कि वह अनशन तभी तोड़ेगी जब अवस्थामा के मस्तक पर सदैव बनी रहने वाली मणि उसे प्राप्त होगी। अर्जुन अवस्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अवस्थामा तथा अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। अवस्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। नारद तथा व्यास के कहने से अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया, किंतु अवस्थामा ने पांडवों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। कृष्ण ने कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है, उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा। नीच अवस्थामा, यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह बालक मृत हुआ तो भी मैं उसे जीवन दान दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू इतने बदों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की निर्सिक होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने भी श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। अर्जुन अवस्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ने दयायार्द होकर उसे छोड़ने को कहा, किंतु कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उसके सिर से मणि निकालकर द्रौपदी को दी। उत्तरा के गर्भ में बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका यह ज्योतिमय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। वे चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद धारण किए हुए थे। कानों में कुंडल तथा आंखें रक्त वर्ण थी। हाथ में जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अवस्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। गर्भ स्थित वह बालक उस ज्योतिमय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। वह सोचने लगता कि यह कौन है और कहां से आया है। कुछ समय पश्चात पांडव यज्ञ की दीक्षा के निमित्त राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में तथा श्री कृष्ण की उपस्थिति में 10 मास पश्चात उस बालक का जन्म हुआ। परंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृतवत हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रनिवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। कुरु वंश को पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था। शोक वह भी न रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही साथी को साथ लेकर अंतपुर पहुँचे। वहाँ रनिवास में करुण क्रदन को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुण क्रदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ी और दहाड़ मार मार कर विलाप करते हुए बोली, हे जनार्दन, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त न होगा तथा 60 वर्ष तक जीवित रहकर धर्म का राज करेगा, किंतु यह बालक तो मृतावस्था में पड़ा हुआ है। यह तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। हे हरिसूदन,
इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दे दो। श्री कृष्ण सबको सांत्वना देकर तत्काल प्रसूति गृह में गए और वहां के प्रबंध का अवलोकन किया। चारों ओर जल के घट रखे थे, अग्नि भी जल रही थी, घी की आहुति दी जा रही थी, श्वेत पुष्प एवं सरसों बिखरे थे और चमकते हुए अस्त्र भी रखे हुए थे। इस विधि से यज्ञ राक्ष एवं अन्य व्याधियों से प्रसूति गृह को सुरक्षित रखा गया था। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। उसी समय द्रौपदी आदि रानियां वहां आकर कहने लगी, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारे स्वसुर खड़े हैं, चेतन हो जाओ। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्री शोक ना करो, तुम्हारा यह पुत्र अभी जीवित होता है। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। सबके सामने मैंने प्रतिज्ञा की है वह अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे इस बालक की रक्षा गर्भ में की है तो भला अब कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का यह मृत बालक जीवित हो जाए। उनके इतना कहते ही वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए रुदन करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। उनके इस अद्भुत कर्म से बालक को जीवित देखकर अंतपुर की सारी स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गईं और उनकी वंदना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह कुरुकुल के परीक्षित होने पर उत्पन्न हुआ था। जब युधिष्ठिर लौट कर आए और पुत्र जन्म का समाचार सुना तो वे अति प्रसन्न हुए और उन्होंने असंख्य गाय, गांव, हाथी, घोड़े अन्य आदि ब्राह्मणों को दान दिए। उत्तम ज्योतिषियों को बुलाकर बालक के भविष्य के विषय में प्रश्न पूछे। ज्योतिषियों ने बताया कि वह बालक अति प्रतापी, यशस्वी तथा इच्छापुक समान प्रजापालक, दानी, धर्मी, प्राकर्मी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भक्त होगा। एक ऋषि के साप से तक्षक द्वारा मृत्यु से पहले संसार के माया मोह को त्याग कर गंगा तट पर श्री सुखदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए भविष्य फल को सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें यथोचित दक्षिणा देकर विदा किया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन पढ़ने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा मरुत का गड़ा हुआ धन लाकर अश्वमेध यज्ञ किया। श्री कृष्ण की देखरेख में यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। सभी कार्य पूर्ण हो जाने पर श्री कृष्ण भी द्वारका लौट गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमें नई कहानी के साथ।